दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपीओ के रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं कि आईपीओ होता क्या है, ओके, और कौन कौन से आईपीओ अभी आपको कमिंग मंथ में और कमिंग टाइम में आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। और उसमें भी हम केवल इम्पोर्टेंट आईपीओ की ही बात करेंगे, ओके, जो कि बहुत आपने नाम भी सुना होगा, ओके, और जो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करेंगे मार्केट में। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार चैनल पर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप जाके उन्हें देखिए, ओके, आपको फंडामेंटल से रिलेटेड और इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो हमारे चैनल पर, तो उसे जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और बेल आइकन को हिट करिए। तो आइए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है आईपीओ। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आईपीओ होता क्या है। जैसे कि आईपीओ जहाँ पर दिख रहा है, आईपीओ का सिंपल मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसका मतलब है कि कंपनी को जब अपने अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है, ओके, जब अपने आप को मार्केट में लिस्ट करती है, ओके, फंड रेज करने के लिए और पब्लिक के लिए जब लिस्ट कर देती है, ओके, तो उससे फंड रेज होता है, तो उसे कहते हैं कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। तो ये आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये फंड रेज करती है और फॉर द सेक ऑफ गुड, मतलब कुछ करने के लिए कंपनी में को एक्सपेंड करने के लिए, उनको कुछ कर्ज है उसके लिए, तो वो उसके लिए आईपीओ में से पैसे फंड को रेज करती है। तो आपने लास्ट कुछ मंथ में काफ़ी सारे आईपीओ देखे होंगे। आपने एसबीआई कार्ड का देखा था, ओके, जिसने निराश कर दिया था, बट अच्छा था और के और तो लिस्टिंग गेन तो नहीं मिला, बट आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स देखने को भी मिलेगा और अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रोजरी बायोटेक, जैसे ही रोजरी बायोटेक लिस्ट हुआ था तो काफ़ी अच्छा उस लिस्ट हुआ था, 30 से 40% तक का उसने प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को लिस्ट होते ही साथ दे दिया था। तो ये आईपीओज होते हैं, लिस्ट होते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए काफ़ी लाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लस में लॉन्ग टर्म, ओके, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके हम अच्छा खासा लिस्टिंग गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म प्लस में लॉन्ग टर्म अच्छे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपकमिंग आईपीओज इन 2020, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी कंपनीज है, मोर देन 79 और 80 कंपनी के आसपास है जो आईपीओ आने वाले हैं। तो उनमें से भी हम इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे, ओके, लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ओके, और फिर इसके और जब भी ये आईपीओज आएंगे उनकी डेट एंड एवरीथिंग उनके बारे में, उनका प्राइस क्या है, कब तक ये लिस्ट कब आपको अलाउट हो जाएंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट आईपीओ, अबाउट अ कंपनीज आईपीओ, पर्टिकुलर कंपनी जैसे यूटीआई का आने वाला है, तो यूटीआई की जब भी आएगा तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जाऊँगा। तो बहुत सारे आईपीओज हैं, बट हम मेन आईपीओज की बात कर लेते हैं, ओके, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, ओके, 1600 करोड़ रुपए का आईपीओ आने वाला है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देखो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अभी दो लिस्ट है मार्केट में, HDFC प्लस में नाम इंडिया, दोनों का वीडियो मैंने बना रखा है, ओके, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, बहुत अच्छा रिटर्न भी उन्होंने लास्ट ईयर्स में दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरी कंपनी लिस्ट होने वाली है UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इसके फिगर्स को अभी नहीं देखेंगे, ओके, इतना डेट टाइम ऑन डेट को देखेंगे क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, बट ये IPO लिस्ट इनका काम जारी है और ये कभी भी आ सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा, तो एंजल ब्रोकिंग का आने वाला है। इसके अलावा बर्गर किंग का नाम आपने सुना होगा, मैकडी का नाम सुना है, ऐसी मैकडी की तरह बर्गर किंग भी है, आपको दिख जाएगा बर्गर्स वगैरह आपने इसके खाए होंगे, तो बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड इसका आईपीओ आने वाला है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलरी, ओके, कल्याण ज्वेलरी देख लीजिए, कल्याण ज्वेलरी का आने वाला है क्योंकि सोने का दाम आपको पता ही है कि किस तरीके से पिछले कुछ टाइम में मिला है, तो वो आने वाला है। मिल्क बास्केट, तो इसका भी आने वाला है, आपके घरों में दूध पहुँचाता है, मिल्क पहुँचाता है, और ये इसके खरीदने की बात रिलायंस ने की जा रही थी कि रिलायंस इसे खरीद रहा है, तो इसका भी आईपीओ आने वाला है। ग्रोफर्स को आप जानते ही हैं, तो ग्रोफर्स ऑनलाइन ग्रोसरी सेल करने का काम करता है, ओके, तो काफ़ी अच्छा ये कंपनी भी है, अच्छा खासा इसने लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट भी दिए, सेल भी इनका अच्छा हुआ है, तो इसका आईपीओ पर भी आप नज़र रख सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे आईपीओज हैं, बट हम केवल अच्छे अच्छे आईपीओज की तरफ ध्यान देंगे। लोधा डेवलपर्स तो आपको पता ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान बना सकते हैं, और जब भी इनका वीडियोज, जब भी ये आईपीओ लॉ होने वाले होंगे इशू, तब मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज है ये भी, बहुत सारी कंपनी है। इसके अलावा बारबिक्यू नेशनल हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बारबिक्यू आपको पता ही है, बीबीक्यू जिसे कहते हैं, लोग जाते हैं ए पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं और पूरा बुफे की तरह पूरा खाना वो खा सकते हैं, पेट भर के जितना भी उन्हें खाना है। तो ये बारबिक्यू का भी आईपीओ आने वाला है, राकेश झुंझुनवाला की भी इसमें लगभग 1% की स्टेक होल्डर है। इसके बाद रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का आने वाला है, एनएससी का आने वाला है, बीएससी का ऑलरेडी एनएससी पे लिस्ट है, बट एनएससी का अभी तक लिस्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ टाइम में, बट अभी हरी झंडी मिल चुकी है और इसका भी आईपीओ आपको आगे अभी आने वाले टाइम में मिल जाएगा। इसका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का आपको मिल जाएगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी, जैसे IRCTC अभी कुछ टाइम पहले आया था 2019 में, ऐसे ही अब इंडियन रेलवे का फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस, PNB का नाम आपने सुना ही है, पंजाब नेशनल बैंक, तो इसका भी आईपीओ आने वाला है। मोंटी कार्लो का नाम आपने सुना ही है, मोंटी कार्लो कपड़े बनाने की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी ब्रांडेड और अच्छे कपड़े भी होते हैं, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा भारत होटल्स, मुथूत माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, मुथूत फाइनेंस कंपनी तो आपने सुना ही है, गोल्ड लेती है और गोल्ड लेके पैसे दे आपको लोन देती है। इसका छोटा एक रूप मुथूत माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ये भी आने वाला है, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इमामी सीमेंट लिमिटेड, सीमेंट की ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी है, तो इमामी भी आने वाला है, JSW सीमेंट्स भी आने वाला है। इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। बजाज एनर्जी लिमिटेड, एनर्जी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। बजाज HDB, तो HDB ये HDFC जो ग्रुप है, जो पेरेंट कंपनी है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट है HDB फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, तो इसका भी आईपीओ आने वाला है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। और काफ़ी टाइम बाद आईटी का कोई शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला है, और बताना चाहता हूँ ग्रे मार्केट में ये 120 पे ट्रेंड कर रहा था, बट ग्रे मार्केट के एक्साइटमेंट की वजह से अभी जो खबरें आ रही है कि लगभग लगभग 160 से 170 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये इसका आ सकता है आईपीओ में, एक पर शेयर की कीमत के हिसाब से, तो काफ़ी कम शेयर। अच्छा, HMTL इसका नाम देते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। और इसके जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे, और तो उन वो विप्रो में ऑलरेडी बहुत अच्छे, विप्रो में मैनेजमेंट कंपनी मैन विप्रो के मैनेजमेंट में वो रह चुके हैं, तो उस वजह से ये कंपनी का आईपीओ आके तो आने वाला है, और काफ़ी एक्साइटमेंट यहाँ पर मार्केट में नज़र आ रही है इस कंपनी को लेके, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो यूँ तो बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और बड़ा आईपीओ आने वाला है, जिसकी खबर आपको कभी भी आ सकती है, LIC। LIC का नाम आपने सुना होगा। LIC जी बीमा, LIC पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं। LIC का आईपीओ जब आएगा तो वो हिंदुस्तान का बड़ा मार्केट, क्योंकि वो रिलायंस से भी बहुत बड़ा है, रिलायंस अभी मार्केट कैपिटल के हिसाब से बड़ा है, इंडिया के सबसे बड़ा मार्केट शेयर बाजार में लिस्ट है, तो अगर वो आया तो वो नंबर 1 पे भी हो सकता है, क्योंकि उसका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटल है उसका, तो जब अगर वो आएगा तो वो धूम मचाने वाला है, तो उसके तरफ भी ध्यान देंगे हम। और जब भी वो आएगा तो मैं आपको इन सभी आईपीओस के बारे में, इनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किस प्राइस पर वो लिस्ट हो रहे हैं, किस प्राइस पर वो आने वाले हैं, किस डेट को आएंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक जब जब ये अच्छे अच्छे आईपीओ आएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको इस तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।